ओम शांति। परमात्म लाडलू प्रति, परमात्मा का विशेष संदेश। हे परमात्म प्रिय आत्माओं, जगत पिता जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव निराकार होते हुए भी वर्तमान समय संपूर्ण मानव जाति को विभिन्न आपदाओं, विपदाओं, विपत्तियों, बीमारियों और प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर सभी आत्मा रूपी बच्चों को अपने पावन प्रेम की अविरल धारा में नहला रहे हैं। उनके इस निस्वार्थ स्नेह की सुखद सरिता में नहाकर हम सब आत्माएं निरंतर पतित से पावन अर्थात काले से गोरे और रंक से राजा अथवा मनुष्य से देवता अर्थात रोगी भोगी और ढोंगी से बदलकर सहज राजयोगी बनने जा रहे हैं। तो दिन अब दूर नहीं है जब हम प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाए गए सहज राजमार्ग पर चलते हुए अपने खोए हुए देवीय स्वराज्य को पुनः प्राप्त करके ही रहेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में हम चारों ओर परिस्थितियां देख रहे हैं, हर ओर युद्ध ही युद्ध है। सारा विश्व जैसे एक दो के विनाश करने के लिए उतारू है। हर ओर अणु बम परमाणु बम की गूंज सुनाई देने लगी है। अब समय ऐसा विकट आना है। बाबा ने कहा था अंत समय में पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाएंगे। अन्न होगा पर खाने लायक नहीं होगा, जल होगा पर पीने लायक नहीं होगा, आप बच्चे घर से बाहर भी निकल नहीं सकेंगे। तो वही समय अब आता प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब परिवर्तन हुआ के हुआ। भारत में भी अब धर्म क्रांति दिखाई देने लगी है। राजनीतिक उथल पुथल के साथ धर्म क्रांति जो महाभारत के युद्ध में बताई गई थी, कौरव और पांडवों का युद्ध, यादवों का विनाश, ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को इशारे दिए थे कि यादव मूसल और प्रेक्षपास्त्रों से अपना विनाश खुद ही कर लेंगे, जो हमें सारे विश्व में दिखाई दे रहा है। हर ओर युद्ध ही युद्ध है। ऐसा लगता है जैसे एक इशारा होगा और अणु परमाणु बम का युद्ध शुरू हो जाएगा। चारों ओर विनाश ही विनाश छा जाएगा। भारत में विशेष ग्रह युद्ध के बारे में बाबा कहते थे, अब वह समय भी नजदीक दिखाई देने लगा है। पर बाबा ने कहा था कि जो ब्राह्मण बच्चे होंगे आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, खुद को आत्मा अनुभव कर हर एक को आत्मा भाई के रूप में देखेंगे, हर एक के प्रति शुभ संकल्प चलाएंगे, श्रेष्ठ कामना रखेंगे, सभी के कल्याण की भावना रखेंगे, ऐसे विकट समय में सारे विश्व को परमात्म शक्तियों की सकाश देंगे, अपने फरिश्ता संपूर्ण स्वरूप में अर्थात लाइट के कार्ब में स्थित रहेंगे। उन बच्चों का प्रकृति भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी और सहयोग देगी। उन बच्चों को विनाश के समय में भी बाबा ने कहा था दाल रोटी जरूर मिलेगी। जब चारों ओर विनाश ज्वाला भड़केगी, ग्रह युद्ध होंगे, तो बाबा ने कहा था आदि सो अंत का पार्ट शुरू होगा, अर्थात हम बच्चों को स्वयं भगवान साक्षात्कार कराएंगे, हमारे मन और बुद्धि को
नई दुनिया में लगा देंगे, अपने घर शांति धाम में स्थिर कर देंगे, तो हम बच्चे इस विनाश ज्वाला से स्वतः और सहज बचते जाएंगे, जैसा कि अब हमें दिखाई दे रहा है कि प्रकृति के पांचों तत्व भी कभी भी हलचल में आ जाते हैं, चारों ओर युद्ध भी बढ़ता ही जा रहा है, कभी रूसी यूक्रेन युद्ध, कभी हमास इजराइल युद्ध, कभी हूती अमेरिका युद्ध, अब यह युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं लेते और दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। इसका यही मतलब लगाया जा सकता है कि बाबा ने कहा था तीसरे विश्व युद्ध से परिवर्तन होगा, अब तीसरा विश्व युद्ध भी दिखाई देने लगा है। ऐसी ऐसी मिसाइलें, ऐसे ऐसे बम बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे हथियार बना लिए गए हैं जिनके आधार पर दुनिया का विनाश सहज हो ही जाएगा। अब जब हर ओर शांति के लिए कई बैठकें होती हैं, कई कॉन्फ्रेंस आदि होते हैं, पर कहावत है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और, तो भले ही मनुष्य शांति चाहता हो पर जो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन का नियम है, वह अब समीप दिखाई देने लगा है। अब संपूर्ण शांति के लिए जैसा कि गीता में लिखा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति देने के लिए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट आत्माओं को और अधर्म को नाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं, जो कार्य बाबा अभी कर रहे हैं। पर बाबा कहते सावधान, माया अभी पूर्ण रूपेण पराजित नहीं हुई है, उसके कुछ अज्ञात आघातों की आहट अब भी बारंबार सुनाई दे रही है। उधर मानवीय खनन से आक्रोशित प्रकृति भी अपने पांचों तत्व रूपी पुत्रों के साथ इस ताक में घात लगाए बैठी है कि कब मैं मानवता के किसी बड़े भूभाग को तहस नहस कर दूं। अनिश्चितता, अनिंद्रा, भय और घबराहट के इस माहौल में जिंदगी का सफर दिनों दिन धोखेबाजी, आकस्मिक दुर्घटनाओं, हृदय घातों, चोरी और हेरा फेरी जैसी दुखद घटनाओं से भरता जा रहा है। अब ऐसे समय में स्वयं भगवान कहते हैं कि खुद को आत्मा अनुभव करो, खुद को लाइट के कार्ब में अनुभव करो, एक पिता निराकार पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, एक मुझ बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, अर्थात मन मनाभव होकर रहो, तो ही इस विकट परिस्थिति आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। खुद को संपूर्ण संपन्न बनाने का अब समय नहीं है, अब समय है दुखी अशांत आत्माओं को अपने प्राप्त खजानों का सहयोग देना। परमात्म शक्तियां जो बाबा ने हमें दी हैं, उन शक्तियों से सभी को भरपूर करना। बाबा कहते हैं, क्या तुम बच्चों को आत्माओं के दुख दिखाई नहीं देते? चीखती पुकारती आत्माओं की गूंज सुनाई नहीं देती? ब्रह्मा बाबा विकट परिस्थितियों में रातों को जागकर विशेष मनसा सकास देते थे, विशेष सेवा करते थे। अब समय तुम बच्चों को श्रेष्ठ सेवा करने का है। संकल्पों द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस संपूर्ण विश्व में फैलाने हैं, शांति और सुख की सकास देनी है।
तो अब अपने श्रेष्ठ स्वमानों में स्थित होकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा चारों ओर परमात्म शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाओ, जिससे स्वयं भी माया से, प्रकृति से और सभी विपत्तियों से मुक्त रह सकेंगे, बचा सकेंगे। तो सुरक्षा कवच हम बच्चों को बाबा ने बताया, आत्मिक स्वरूप में रहना, खुद को आत्मा अनुभव करना, पिता निराकार परमात्मा की याद में रहना और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख, हर एक को परमात्म शक्तियों का सहयोग देना और दुआओं के खाते से अपने को संपूर्ण संपन्न बनाते जाना। अच्छा, यही बाबा की हम बच्चों से आस है। ओम शांति।